यूपी पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। वहीं परीक्षा को 6 महीने बाद दोबारा आयोजित करवाने का ऐलान भी किया है। आपको साथ ही इसके बताते चलें कि यूपी पुलिस सिपाही पद पर कुल 6,244 रजिस्ट्रेशन को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित की गई थी परीक्षा, और इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। अभ्यर्थियों का इसमें कहना था कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में पेपर जो था उसको लीक कर दिया गया था पहले ही। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 बजे की पाली में जो प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास आया था, उनकी कोचिंग टीचर्स के पास भी पहले से भी पहुंच गया था, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट भी लिखा था और पेपर लीक होने की बात भी उन्होंने सामने रखी थी। पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के झांसी में भी जगह जगह अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। फिर चाहे झांसी जनपद का मऊरानीपुर हो, तहसील क्षेत्र हो या फिर मोट हो, हर जगह छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी नाराजगी दिखाने के लिए वो नारेबाजी भी कर रहे थे। अभ्यर्थियों के हाथ में पोस्टर थे जिसमें लिखा था कि हमें न्याय चाहिए, एग्जाम को दोबारा कराया जाए, स्थिति को काबू करने के लिए बता दें। प्रशासन भी मौके पर लगातार प्रयास कर रही थी। पेपर रद्द करने के साथ ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 6 महीने बाद दोबारा से कंडक्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों से परीक्षा के लिए आने जाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आदेश में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। जानकारी कैसे लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए इन खबर।